माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, महिलाओं और पुरुषों में इसके होने के कारण क्या है और इसके घरेलू उपचार भी आज के वीडियो में बताएंगे। महिलाओं में माइग्रेन के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी और पीरियड के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इन हार्मोन में उतार चढ़ाव होता है तो माइग्रेन का अटैक आ जाता है। माइग्रेन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी की कमी माइग्रेन अटैक को ट्रिगर करती है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन सेहत के लिए नहीं माइग्रेन में भी मददगार होता है। माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द है या आमतौर पर सर के आधे हिस्से में होता है। माइग्रेन मस्तिष्क स्पाइनल कार्ड और तंत्रिकाओं के विकारों के कारण होता है। नींद की कमी, उत्तेजना, तनाव या अन्य कारकों से माइग्रेन शुरू हो सकता है। शारीरिक गतिविधि, प्रकाश, ध्वनि या गंध से यह और बदतर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, खुशामदीद है आपका YouTube साजिद हसन हेल्थ चैनल पर, जिसका हैंडल हब्स एंड हेल्थ 2023 है। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज इसके उपचार और कई चीज़ें बताएंगे। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वी पेशेंट्स के साथ बने रहें, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के साथ आप ये घरेलू नुस्खा ज़रूर आजमाएं, इससे आपको लाभ होगा। और जो भी आप दवाइयाँ बाहर की ले रहे हैं उनमें ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो इम्प्रूवमेंट करेगा। जिनमें पहला है गुड़ और दूध का साथ में सेवन करें, जी हाँ, इससे आपके माइग्रेन में बहुत जल्द राहत मिलेगा। दूसरी चीज़ है अदरक, जी हाँ, अदरक की चाय, अदरक का पानी, माइग्रेन होने पर इसका सेवन बढ़ा दें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तीसरी चीज़ है दालचीनी, जी हाँ दोस्तों, दालचीनी को भी आप इसी रूप में ले सकते हैं। इसकी चाय बनाकर या दालचीनी को उबालकर इसका पानी पीकर काढ़ा बनाकर किसी भी तरह से। और उसके बाद है लौंग का सेवन, यहाँ लौंग भी एक ऐसी जड़ी बूटी है या स्पाइस है जिसके कई फायदे होते हैं। ऐसे में लौंग भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके कई स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे माइग्रेन के साथ। माइग्रेन का दर्द जब काफ़ी ज़्यादा हो, बर्दाश्त से बाहर हो, तो ठंडी सिकाई करें, हीटिंग पैड आता है उसका भी इस्तेमाल करें और किसी अच्छे तेल से अपने सर की मालिश करें धीमे धीमे। इससे आपको नींद आएगी, सुकून मिलेगा और दर्द में राहत मिलेगी। तेज़ रोशनी या धूप से ऐसे में बचना चाहिए, इसको भी ध्यान ज़रूर रखें। माइग्रेन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती, माइग्रेन किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। हालांकि सबसे पहले अक्सर किशोरावस्था के दौरान होता है। माइग्रेन आपके 30 के दशक के दौरान चरम पर होता है और अगले दशकों में धीरे धीरे कम गंभीर और कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में माइग्रेन 3 गुना अधिक होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही माइग्रेन के बारे में जानकारी। एक बार और गुजारिश है कि वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें। आपने अगर आज कुछ सीखा हो तो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ज़रूर करें।